में हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। हरिद्वार खनन अधिकारी प्रदीप कुमार हुए मीडिया से रूबरू और जानकारी दी, 1 अक्टूबर से खनन पर लगी रोक को हटा दिया गया है और खनन प्रक्रिया जारी कर दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रशासन द्वारा सुनिश्चित गाइडलाइन भी जारी की गई है। यदि गाइडलाइन से हटके कोई अवैध खनन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही समय समय पर प्रशासन की टीम इन खनन कार्यकर्ताओं पर अपनी नजर बनाए हुए है। प्रशासन द्वारा गठित की गई अलग अलग विभागों की टीम भी इन खनन माफियाओं पर अपनी निगरानी पूरी तरह से बनाए रखेगी। जो रूल है हमारे यहाँ पे 30 जून को खनन बंद हो जाता है, 1 अक्टूबर को चालू हो जाता है, तो नियमावली के अनुसार खनन पूरे स्टेट में 1 अक्टूबर चालू हो जाता है। कब तक ये हमारा 30 जून तक चालू हो जाता है। विभाग द्वारा कैसे निगरानी बनाई जा रही है कि कहीं अवैध खनन की प्रक्रिया ना? विभाग के द्वारा हमारी प्रशासन की पूरी टीम बनी है, रेवेन्यू की, फॉरेस्ट की, खनन विभाग की, और समय समय पर हम लोग भी अलग से फील्ड जाते रहते हैं तो जाँच करते रहते हैं। गेट और पट्टे जो चलाए जाते हैं क्या उनमें से अभी किसी के लिए परमिशन की है? अभी हमारा 3 लॉट खुलने हैं वन निगम के प्रवासी क्षेत्र में, बट पानी बरसात होने के कारण, पानी बढ़ने के कारण अभी पिलर नहीं हो पाए वन विभाग की तरफ से। पॉसिबिलिटी है 20 से 25 के बीच में काम चालू हो सकता है।